आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से सबसे आसान तरीके से हम किसी भी फॉर्म को फीड कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें हम पूरा इस वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड। सबसे आसान तरीके से हम फॉर्म भरना बताएंगे आपको, जो इजी आसान तरीके से हिंदी के माध्यम से, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कि किस तरह से कौन से स्टेप हम क्या क्या भरेंगे, ताकि आप घर बैठ के भी आप उस फॉर्म को आसानी से भर पाओगे फ्रेंड, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस तरह से वीडियो हम बनाते रहते हैं फ्रेंड, ठीक है। आंगनबाड़ी के बारे में तो आपको पता ही होगा, आंगनबाड़ी क्या चीज़ होती है। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, नर्सरी LKG वाले बच्चों को, छोटे बच्चों को जो हिंदी में पढ़ाया जाता है, उसे आंगनबाड़ी बोलते हैं। आंगनबाड़ी की वैकेंसी बहुत सारी आ रखी है आजकल और आने वाली भी हैं। आंगनबाड़ी की जो वैकेंसी हैं और जो जो इसके रेगुलेशन एजिलिटी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा आज आपको। जो आंगनबाड़ी की वैकेंसी है, वो आजकल हर स्कूल कॉलेज का, हर स्टेट का अलग अलग आती हैं। और जो आंगनबाड़ी की जो भी क्राइटेरिया एरिया या एजिलिटी जो होती है, वो आपको पता ही है, वो 5th, 5th क्लास, 12th क्लास नॉर्मली होना चाहिए। और ग्रेजुएशन वाला भी हो सकता है आपका, कि उससे ऊपर के जितने भी सिलेबस होते हैं, लेवल होते हैं, डिग्री वगैरह, वो कर सकते हैं। पर नॉर्मली जो होता है, इंटर लेवल का होना ज़रूरी है। और अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती रहती है फ्रेंड, ठीक है। अभी जैसे उत्तराखंड के लिए आ रखी है आजकल वैकेंसी, तो 18 से 40 इसका एज लिमिट होती है, जो मानदंड होता है। और शिक्षा मैंने बताया था आपको, 10+2 जो होता है, और इसके ऊपर जितने भी पोस्ट हो सकती हैं, डिग्री, BA, BCom, बैचलर डिग्री, आपका मास्टर डिग्री, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड इसमें ज़्यादातर लड़कियां ही और इसमें फॉर्म भरती हैं। और जो पहला जो पोस्ट होती है, वो लेडीज सुपरवाइजर की होती है। 20,000 से ऊपर इसकी सैलरी होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है, उसकी 7,500 रुपया सैलरी होती है। मिनी आंगनबाड़ी जो होता है, उसका 4,750 रुपये सैलरी होता है। और आंगनबाड़ी जो सहायिका होती है उनके साथ, वो 3,750 रुपये उसकी सैलरी होती है फ्रेंड, ठीक है। इसके अलावा इनके जो एक्स्ट्रा इनके वर्क होता है, उनके लिए उनका एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। जैसे बच्चों की, जो नए नए बच्चे होते हैं, उनके देख रेख करना, उनके लिए अलग से पैसा मिलता है। और भी बहुत सारी जगह से, जैसे कुछ और छोटे मोटे काम जो होते हैं, संस्था से जो काम मिलता है गवर्नमेंट का, वो सब ये लोग करते थे, इसका पैसा इनको अलग से पैसा मिलता है। इसकी जो टेस्ट का प्रक्रिया होती है, वो लिखित तौर पर होता है। दूसरा, इसमें साक्षरता भी होती है। ये कुछ कुछ पोस्ट के लिए होता है, जो आपका मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिका होता है, उनके लिए नहीं होता है। पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लेडीज सुपरवाइजर होता है, उनके लिए आपका व्यक्तिगत साक्षरता भी होती है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड जो इसमें भर्तियाँ आने वाली हैं, वो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, तो ज़्यादातर इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है फ्रेंड, ठीक है। आजकल उत्तराखंड के लिए और UP के लिए पोस्टें आ रखी हैं, तो आप लोग इसको, उनको भर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये फॉर्म के ज़्यादातर लेडीज़ लोग इस फॉर्म को भरते हैं, और इसकी जो पोस्टें हैं वो आ रखी हैं और आप भर सकते हैं। और साल में हर साल आती रहती है इसकी पोस्टें, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसमें जो पोस्टें भरी जाती हैं, वो अनमेरिड लड़कियां ज़्यादा भरती हैं, और जैसे शादी होती है तो फिर ज़्यादातर छोड़ देती हैं। छोड़ने के बाद फिर क्या, वो पोस्टें खाली हो जाती हैं, फिर उसके बाद नए नए भर्ती निकलती रहती है इसकी, ठीक है फ्रेंड। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। तो हम लोग बाद में इसका एक फॉर्म भरने का भी वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको देखते रहिए। अगर आपने इसे कमेंट एंड शेयर लाइक किया, तो हम इसको एक और वीडियो बनाएंगे फिर फॉर्म भरने का, तो आप उसको भी देख लीजिए फ्रेंड, ठीक है। कमेंट में लिखिए कि फॉर्म भरने का वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, और कहाँ का बनाना है, UP का बनाना है, उत्तराखंड कौन से स्टेट का बनाना है, आप बताइए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड, अभी नया नया हम वीडियो रेडी कर रहे हैं इसको। थैंक यू सो मच।